When life puts you in a tough situation, don't say why me, say try me. अगर जिंदगी आपको एक कठिन सिचुएशन में डालती है तो कभी मत भगवान को कहना कि भगवान मुझे क्यों दी. उस चीज पे काम करना, उस चीज का हल निकालना, क्योंकि जितना एक हीरा रगड़ता है और उसकी पॉलिशिंग होती है उतना ही वो चमकीला बन जाता है और उसका प्राइस बढ़ जाता है. हेलो एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम. उसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की थी. उसमें हमने पढ़ा था इथनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, उसकी पॉपुलेशन साइज कितनी है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. ओके, और आज की वीडियो में हम देखेंगे आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इन श्रीलंका. अब हमें इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए श्रीलंका के बारे में कुछ. अब श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है, ठीक है. श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है और ये इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूर है, ठीक है. ये इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूर है. अगर मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं तो इंडिया के जो तमिलनाडु रीजन है, साउथर्न एक्सट्रीम रीजन है, उससे कुछ किलोमीटर दूर है, फाइन. और जो इसकी पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ की है, ठीक है. और सेम द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. अब आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था हम हरियाणा की क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, याद है ना, ताकि ये हमें रिलेटेबल लगे. अब और एक इसकी ये मेन फीचर है, जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो बहुत डाइवर्स है, लोगों की बहुत डाइवर्सिटी. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. चलो अब हम पढ़ते हैं इथनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब भी हम किसी भी कंट्री की पावर शेयरिंग पढ़ते हैं हमें सबसे पहले उसकी इथनी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए. अब इथनी कंपोजिशन क्या होती है? ये होती है एक कंट्री में जो लोग रह रहे हैं और वो एक कल्चर शेयर कर रहे हैं उनके, अ डिवीजन विच इज़ बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर. ओके, अब मेजरली जो रहते थे श्रीलंका में वो दो काइंड ऑफ पीपल थे, एक तो सिन्हाला स्पीकर्स एंड सेकेंड इज यस तमिल स्पीकिंग. ये वैसे ही हो गया जैसे बेल्जियम में केस था, वहाँ पे भी दो तरह के लोग थे, एक डच और दूसरे फ्रेंच. अब हम देखेंगे जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे श्रीलंका में वो थे इन मेजोरिटी, ठीक है. और उनकी मेजोरिटी कितनी की थी? 74%. ओके, और ये जो रीजन फॉर रिलीजियन ये फॉलो करते थे वो थे बुद्धिस्ट. और जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो थे इन मिनोरिटी 18%. और जो ये रीजन फॉलो करते थे रिलीजियन वो था हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है. अब सिन्हाला स्पीकिंग तमिल स्पीकिंग पीपल भी आगे दो में डिवाइड थे, श्रीलंकन तमिल्स जो नेटिव पीपल थे श्रीलंका के और इंडियन तमिल्स, फाइन. अब जो 18% है ये आगे डिवाइड हुआ है 13% और 5% में. अब जो इंडियन तमिल्स थे, ये इंडियन तमिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन तमिल्स को एज अ प्लांटेशन वर्कर्स श्रीलंका भेजा जाता था, ठीक है, तो इन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है. उसके बाद कुछ क्रिश्चियंस भी थे, 7% क्रिश्चियंस भी थे, ओके. और ये बोलते थे बोथ तमिल एंड सिन्हाला, फाइन. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया बाय डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज. अब श्रीलंका में मेजरली दो टाइप के स्पीकर थे, एक सिन्हाला और दूसरे तमिल. अब सिन्हाला को तो उन्होंने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया, पर जो तमिल स्पीकर थे उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट ही कर दिया. तो इससे जो तमिल स्पीकर थे उन्हें बहुत गुस्सा आया. और फिर क्या हुआ? प्रोफेशनल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर जॉब एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन. अब जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उन्हें प्रोफेशनल पॉलिसीज दी गई फॉर जॉब एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन. अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसका मेन मोटिव था टू प्रमोट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसका मेन मोटिव था कि हम बुद्धिज्म को प्रमोट करें. ओके, अब बुद्धिज्म को क्यों? अब रिकॉल करो, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो बुद्धिज्म को मानती थी, फाइन. अब इसका रिजल्ट क्या आया? जो ये एक्ट पास हुआ उसका रिजल्ट क्या है? द गैप बिटवीन सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी इंक्रीजेस, फाइन. जो गैप था सिन्हाला और तमिल स्पीकर में इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि जो तमिल स्पीकर थे वो निराश होने लग गए कि हमारे तो कुछ हो नहीं रहा, हमारे लिए इनके लिए पॉलिसीज भी बन गई प्रोफेशनल, इनकी लैंग्वेज को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो किया गया प्रमोट, पर हमारी लैंग्वेज को कुछ नहीं किया गया, हमें कोई प्रोफेशनल पॉलिसी नहीं दी गई, हमारे रीजन को वो नहीं किया गया प्रमोट, इसलिए उनमें भी बहुत गुस्सा है. गाइस, अब हम पढ़ेंगे
मेजोरिटी रेनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली। फाइन, अब रिकॉल करो, अब लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, उसमें हमने देखा था कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मेजोरिटी में थे, ठीक है। फाइन, अब सिन्हाला स्पीकर थे मेजोरिटी में, तो जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने अपनी डोमिनेंस, अपना प्रभाव डाला गवर्नमेंट में ताकि वो अपनी सुप्रीमेंसी ला सकें। फाइन, अब उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट आया चेंज ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इनटू मेजोरिटीनिज्म। अब हमें डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो पता है एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पर हमें ये एक हमारे लिए नई टर्म है। अब इसका क्या मीनिंग होता है? ये क्या है? अ बिलीफ दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। एक ऐसा बिलीफ है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कोई भी तरीके से एक कंट्री को रूल कर सकती है, चाहे कि वो डिसरिगार्ड भी कर सकती है विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। लाइक श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी एक मेजोरिटी में थी, और माइनॉरिटी में कौन सी थी? यस, तमिल स्पीकर्स। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला कम्युनिटी है, वो तमिल कम्युनिटी को सप्रेस कर सकती है और अपना प्रभाव दिखा सकती है। फाइन, नाउ तमिल पीपल स्टार्टेड टू मेक पार्टीज एंड स्ट्रगल। व्हाई? अब तमिल के लोग, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया पार्टीज बनाना और स्ट्रगल। ये वो वाली नाच गाने वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी। फाइन, अब क्यों बनाई? तमिल को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए और गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन में भी उनको सीट्स दी जाएं, क्योंकि बाय द एक्ट ऑफ 1956, जो 1956 का एक्ट था जिसमें जो सिन्हाला थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया था, तो तमिल चाहते थे हमारी लैंग्वेज को भी ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, और वो चाहते थे हमें भी गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन में सीट्स मिलें। बट गवर्नमेंट रिजेक्ट ऑल द डिमांड्स, पर जो गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जो भी डिमांड्स तमिल स्पीकर्स ने ली थी। नाउ तमिल स्टार्टेड टू डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलम। अब जो तमिल स्पीकर इतना गुस्से हो गए, उन्होंने कह दिया हमें तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही दे दो। इलम का मतलब भी स्टेट होता है उनकी लैंग्वेज, इलम और स्टेट। फाइन, अब इसके बाद क्या हुआ? क्या आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या गवर्नमेंट बेटरमेंट सोचेगी तमिल स्पीकर्स का कि चलो कोई बात नहीं इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे? क्या गवर्नमेंट उनकी कोई बात नहीं सुनेगी और आगे जाके एक कन्फ्लिक्ट होगी? चलो पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? जो अग्रेशन था बाय द तमिल स्पीकर और बढ़ता गया, जो तमिल स्पीकर में गुस्सा था वो और बढ़ता गया। इससे क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? सिविल वॉर। अब हमें दो टाइप की वॉर पता है, एक तो थे वर्ल्ड वॉर, एक होते सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर होती है पूरे ग्लोब में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में, और सिविल वॉर होती है एक ही कंट्री की कम्युनिटीज के बीच में। फाइन, अब इससे क्या हुई? सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। अब सिविल वॉर में क्या हुआ? सिविल वॉर इतनी भयंकर हुई श्रीलंका में, क्या हुआ, लाखों हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इसके अंदर, सिविल वॉर के दौरान अपनी जानें गंवा दी, और कई हजार लोगों की तो रोजी रोटी छिन गई, और कई लोग अपनी फैमिली के साथ कई बार मतलब श्रीलंका से बाहर चले गए एज अ रिफ्यूज। तो हमें श्रीलंका के एग्जाम्पल से ये पता लगता है कि पावर शेयरिंग एक कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये पावर शेयरिंग ही एक कंट्री को उठा भी सकती है, मजबूत भी बना सकती है, और एक कंट्री को गिरा भी सकती है। फाइन, सो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पूरी इंट्रोडक्शन कर ली थी श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, और उसकी पॉपुलेशन पढ़ी थी क्या है, 2 करोड़ है, और वो सेम द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। फाइन, अब उसके बाद हमने इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ी थी, क्या 74% यहाँ पे जो मेजोरिटी में है वो है सिन्हाला, 18% जो माइनॉरिटी है वो है तमिल स्पीकर। फिर तमिल्स में भी आगे डिवीजन पड़ी थी, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। फाइन, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेजोरिटीनाइजेशन इन श्रीलंका, ये मेजोरिटेरियन क्या बिलीफ था। फाइन, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने एक्ट ऑफ 1956 भी, उस एक्ट के बीच में क्या आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ा था। अभी 3 पॉइंट्स थे, पॉलिसीज बना दी गई थी, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नमेंट सीट्स, यस, और जो सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, वो 2-3 पॉइंट आपको जरूर याद करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था रिजल्ट क्या आया था, जो तमिल स्पीकर थे उन्होंने स्ट्रगल कैंपेन्स, पार्टीज बनाई, पोलिटिकल पार्टीज ये, और ये डिक्लेयर किया। फिर अग्रेशन आया, रिजल्ट क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर, ये बहुत भयानक थी, इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इससे
कई लोगों की रोजी रोटी खो गई और कई लोग अपनी फैमिली को लेकर श्रीलंका से बाहर चले गए। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। थैंक यू।